अभी सर्विस होनी है, सर्विस करके तो अभी जाना हमें पासिंग के लिए लुधियाना, की जो गाड़ी की पासिंग होती है वो चेक करना आप कैसे होती है। ये छोटा सा व्लॉग होगा, मिनी व्लॉग है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, हरियत से होंगे। तो गाइस, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब पे जितना हो सके इतना मेरे को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके इतना आप मेरी सपोर्ट करें। तो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं करनाल रेलवे स्टेशन में। यहाँ से हम कर रहे हैं तेल रिफाइंड लोड लुधियाना के लिए। लुधियाना मुलामपुर का हमारे लोड मिला है, जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे हम कराएंगे गाड़ी की पासिंग, क्योंकि हमारी गाड़ी की 4 दिसंबर को पासिंग ख़त्म होने वाली है, तो हम वहाँ पे पास करवाएंगे गाड़ी। ये रहा सामने रिफाइंड तेल, ये चेक करें आप, ये वाला तेल है जो अभी हम लोड करने के लिए आए हैं। ये हमारा कुछ टीन है आधा और कुछ उसके बाद पेटी में माल है बोतल वाला। हो चुकी है हमारी गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट। यहाँ पे गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यार, पूरा रेलवे स्टेशन भरा हुआ गाड़ियों से, लेकिन उतनी ज़्यादा यहाँ पे दिख नहीं रही आपको, क्योंकि दूसरी साइड में भी गाड़ियाँ हैं। तो सब गाड़ियाँ रिफाइंड तेल लोड करके कर रही हैं। रिफाइंड का ये यहाँ पे रैक लगा हुआ है। ये रही सामने हमारी गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट हुई। ये देख लें आप सब लोगों के सामने गाड़ी की लोडिंग हो चुकी है स्टार्ट। तो यहाँ से लोडिंग करके हम जाएंगे लुधियाना में। लुधियाना में जाके तो मुल्लापुर में करेंगे हाली और वहाँ से जाएंगे लुधियाना में, फिर वहाँ पे हमारी गाड़ी की पासिंग है। गाड़ी पास करवाएंगे, आगे दिखाता हूँ मैं आप सब लोगों को। वहाँ पे ग्राउंड, तो ग्राउंड की फैसिलिटी नाम की चीज़ को तो है कोई नहीं है, वहाँ पे रोड में गाड़ी होती है हमारे पास, वहाँ भी जाएंगे गाड़ी सर्विस वर्विस कराएंगे, तो गाड़ी को पास करवाएंगे वहाँ पे। लगभग मेरे ख्याल में अभी कुछ दिन के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक गाड़ी पास नहीं होती तब तक तो रुकना ही पड़ेगा। तो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं लुधियाना। यहाँ पे हम गाड़ी कर रहे हैं ये वॉश। ये देख लो सामने सर्विस स्टेशन में गाड़ी चाहिए हुई है और गाड़ी को सर्विस किए जा रहे हैं। ऊपर से पूरा टूल भी खाली किया, पूरा गाड़ी को फुल ए टू जेड सर्विस करवाएंगे आज। टूल में पानी मार के गाड़ी को अंदर से पूरा कम्प्लीटली सर्विस करवा रहे हैं, और करवा के सर्विस तो हमें अभी जाना पासिंग रोड में। तो कल के लिए मैंने कर दिया अपने जॉइंट को फ़ोन, और कल के लिए वो रसीद वसीद कटवा के रखेगा, तो उसके बाद मंडे को हमारी गाड़ी के लिए उसने बोला कि करवाएंगे गाड़ी पास। ये चेक करें, वॉशिंग स्टेशन तो अच्छे नहीं है यहाँ पे, लेकिन तकरीबन गाड़ी ठीक ही साफ़ कर रहा है बंदा, अभी तक तो बात का तो मालूम नहीं क्या करेगा ये। वो अवतार खुद पानी में गाड़ी को मार रहा, बोरा यार किसी पे विश्वास नहीं कर रहा इसलिए, क्योंकि बोरा खुद ही मैं अच्छी तरह से गाड़ी को वॉश करवाना चाहता हूँ। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं फाइनली लुधियाना के पासिंग ग्राउंड में। पासिंग ग्राउंड तो नहीं है, ये हाईवे के ऊपर ही साइड पे है। यहाँ पे आगे आरटीओ सामने तो वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी, जिसकी वजह से मैं पीछे अभी आपकी गाड़ी के पास शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से पीछे तक लो पूरी लंबी कतार, जहाँ तक आपको नज़र दिख रही है वहाँ तक है, उससे पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो गाड़ियाँ पासिंग के लिए यहाँ पर आई हुई है। तो हम यहाँ पर गाड़ी कराएंगे पास, अभी थोड़ी देर में हमारी गाड़ी हो जाएगी पास, वो पास करवा के उसके बाद हम जाएंगे जलंधर। ये चेक करें मेरी गाड़ी, और इसके पीछे पूरी लंबी कतार लाइन देख रहे हैं, पासिंग हो रही है यहाँ से आगे, वो दिख वीडियो अलाउड नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। और शौकत एक्सप्रेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पेज पे भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।